अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.4 को। एक्सरसाइज है 12.4 और क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द ट्राइंगल। ट्राइंगल को हमने सॉल्व करना है और इसमें हमें गिवन है टू एंगल्स और वन साइड। तो हमने थ्री एंगल्स कंप्लीट करने हैं और टू थ्री साइड्स। सबसे पहले हम कंडीशन यूज़ करते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180, 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल जो है वो मिसिंग है हमारे पास अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 माइनस बीटा और माइनस गैमा हो जाएगा। 180 माइनस बीटा 60 डिग्री माइनस गैमा 15 डिग्री। तो इनको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अल्फ़ा आ जाएगा 105 डिग्री। अब हमने डिसाइड करना है कि इस पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करें या लॉ ऑफ साइन यूज़ करें। तो इसमें हमारे पास एक साइड है, एस फॉर साइन एस फॉर साइड, तो इस तरह हिंट रख सकते हैं। तो जब भी एक साइड होगी क्वेश्चन में तो हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन। अब लॉ ऑफ साइन की थ्री साइड्स होती हैं, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गामा। तो हमने कोई सी दो साइड्स को यूज़ करना होता है। अब कौन सी दो साइड यूज़ होंगी? एक वो साइड यूज़ करनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, एक वो साइड जो क्वेश्चन में गिवन है। कौन सी साइड गिवन है? बी ओवर साइन बीटा। और एक साइड हमारी चॉइस है ए वाली यूज़ कर लें या सी वाली, ए ओवर साइन अल्फ़ा। एक हमने वो साइड जो है वो यूज़ करनी है जो क्वेश्चन में गिवन होगी और एक वो साइड जो अदर टू साइड्स हैं दोनों में से कोई एक। तो अब यहाँ पे हमें बी गिवन थी, एक हमने बी यूज़ कर ली, बी वाली साइड यूज़ कर लें। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बी वाली तो साइड हमने लेनी ही लेनी है जो गिवन साइड है, और साथ आप सी वाली साइड लिख लें या ए वाली साइड लिख लें, दोनों तरह से हो जाएगा। तो हम एक सी वाली लिख लेते हैं, पहले इसको सिम्प्लीफाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी और साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू बी और साइन ऑफ गैमा। तो सी किसके इक्वल हो गया? बी साइन गैमा ओवर बी साइन गैमा ओवर साइन बीटा। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सी इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ 6 साइन गैमा 15 डिग्री ओवर साइन ऑफ बीटा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 60। तो इनको सिम्प्लीफाई कर लें, अंडर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई साइन 15 डिग्री 0.2588 ओवर साइन 60। साइन 60 की वैल्यू 0.866। बटे से ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और ओवर वाली वैल्यू पे डिवाइड कर दें, 0.73 आ जाएगा। ये टू साइड्स हो गई। अब एक साइड और रह गई है फाइंड करने वाली हमारे पास। बी गिवन थी, सी हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरी दफ़ा हर क्वेश्चन में आप लॉ ऑफ साइन भी यूज़ कर सकते हैं, को साइन भी, लेकिन हम लॉ ऑफ साइन ही यूज़ कर लेंगे। अगेन बाई लॉ ऑफ साइन, अगेन हम लॉ ऑफ साइन को यूज़ करते हैं। अब कौन सी साइड रह गई है? एक वो साइड लिखनी है जो रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग साइड जो है वो हमारे पास है ए। ए साइड रह गई, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फ़ा। और एक साइड आप जौन सी मर्जी यूज़ कर लें, बी वाली या सी वाली, बी ओवर साइन बीटा, बी ओवर साइन बीटा। तो ए इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई बी साइन अल्फ़ा ओवर साइन ऑफ बीटा हो जाएगा। बी की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी है अंडर रूट ऑफ 6 और साइन साइन ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हो गया 105 ओवर साइन बीटा। तो बीटा की वैल्यू साइन 60। बेटे से ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें दोनों वैल्यूज़ को। यहाँ पहले साइन 105 की वैल्यू लिख लें 0.9659 ओवर साइन 60 0.866। मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे 2.73। तो ये हमारे पास जो है
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस।